So the very first thing is key, what is a control system? So before starting control system formally, I would like to take you back to the previous semester जहाँ पर आपने सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स पढ़ा था और सेमेस्टर बिफोर दैट. सो सिग्नल एंड सिस्टम में हमने बेसिकली दो चीज़ें डिफाइन की थी कि भाई सिग्नल क्या है. सिग्नल इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और सिस्टम क्या है. सिस्टम जो है इज एनी प्रोसेस जो हम इस उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. तो वो अपडेशन या मॉडिफिकेशन कौन करता है, वो आपका सिस्टम करता है. सो हम उस इंफॉर्मेशन को अपडेट क्यों करते हैं, इनपुट सिग्नल को हम चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने आउटपुट पे बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है. सो वी नीड टू कंट्रोल दैट सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन अ मैक्सिमम पॉसिबल मैनर. एंड दैट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम ओवरऑल इज नोन एज अ कंट्रोल सिस्टम. सो इन ऑर्डर इनपुट को मॉडिफाई करके आउटपुट अचीव करना इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज अ कंट्रोल्ड सिस्टम. सिंपल. नाउ आई जस्ट गो टू द कोर्स. इस कोर्स के बेसिकली सीएलओस क्या हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं सो व्हाट आर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहली बात यह कि डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिफरेंट फिजिकल सिस्टम. सो बेसिकली डिफरेंट सिस्टम्स को हम मैथमेटिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फिजिकल सिस्टम्स को मैथमेटिकली कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी आर फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. दूसरा कि भाई हम डिफरेंस इक्वेशंस को एज ट्रांसफर फंक्शन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपने सिग्नल सिस्टम में इफ यू रिमेंबर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते थे और हम उसको वी वुड कन्वर्ट इट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन वी वुड गो टू फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो दैट रिलेशनशिप इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन. और हम ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन इज वेरी सिंपल. फॉर अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज इंपेडेंस, द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. सो दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन. और ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. और इसके साथ हम स्टेट स्पेस मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे एंड दे आर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल मैथमेटिकल मॉडल्स. फिर देन वील मूव ऑन टू एनालिसिस ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन एंड स्टेडी स्टेट एरर्स, विच इज द क्रक्स ऑफ दिस कोर्स. आफ्टर दैट हम स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि हाउ हम स्टेबिलिटी कैसे करते हैं डिफाइन, रूट लोकस क्या चीज़ होती है, फ्रिक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स क्या है सिस्टम को मॉडल करने के लिए, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए. और फिर फाइनली हम लोग जो हैं वो इन्हीं टेक्निक्स को फर्दर लेकर जाते हुए डिज़ाइन कंट्रोल सिस्टम्स, सॉरी डिजाइनर कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ बढ़ेंगे. सो दीज आर द मेन फोकस ऑफ दीज आर द फाइव मेन फोकस पॉइंट्स ऑफ दिस कोर्स. बेसिकली जो बुक मैं इस कोर्स में फॉलो कर रही हूँ वो कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग की बुक है, नॉर्मन की. और ये बुक जो है मैंने पोर्टल पे आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दी है. इस कोर्स के स्टार्ट में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज अपलोड द लेक्चर्स एज वेल एज अ हैंड आउट फॉर यू पीपल ऑन द पोर्टल. और आई वुड रियली लाइक यू पीपल टू गो थ्रू द लेक्चर ऑडियोज, फुल प्रेजेंटेशंस ऑफ द लेक्चर्स बिफोर कमिंग टू द क्लास. सो जो हमारी मीटिंग होगी, जो हमारी ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम की थ्रू मीटिंग होगी एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे, सो आई वुड रियली लाइक कि आप उससे पहले जो है वो ये लेक्चर्स गो थ्रू करें सो दैट यू हैव एन आइडिया एंड देन ओवर देयर वी कैन डिस्कस. आई विल डेफिनेटली गो थ्रू द लेक्चर अगेन बट आई वुड लाइक यू पीपल टू गो थ्रू इट ओवर हेयर ताकि आपके जहन में जो क्वेश्चन हो वहाँ पर यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस इट. So that's how I would like the lecture flow to go. So handouts will be uploaded every week as for each lecture and as well as presentations with audio recordings will be there. And I want you to go, if you're not going to the handouts, handouts you can keep as notes with you and then you can go through it later on. But I want you to go through the presentation from before. The book has already been uploaded to you along with the course outline. So please do go through it. So let's define what is a system. You already know from signal and systems course, from electric circuits course, or from electronics, what is a system. But let's redefine, let's revise a bit of the concepts. So
एक सिस्टम क्या चीज होती है? सिस्टम जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, वो प्रोसेसिंग स्टेप्स जो होते हैं दे द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर नोन एज द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल एक आरसी सर्किट है, आप इनपुट क्या दे रहे हैं? वोल्टेज. सो इनपुट इज द वोल्टेज. और फॉर एग्जाम्पल आरसी सर्किट है, आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं. सो दैट द वीसी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज नोन एज द आउटपुट. सो इनपुट इज वोल्टेज, आउटपुट इज वोल्टेज. यस, यू कैन द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप कैन गिव अ वोल्टेज टू वोल्टेज. यस, द इनपुट आउटपुट आप देख रहे हैं कि भाई नहीं, इस रेजिस्टर में या इस सर्किट में एक आरसी सर्किट है और इस आरसी सर्किट में करंट फ्लो कैसे आ जा रहा है. सो द इनपुट इज वोल्टेज, द आउटपुट इज करंट. द रिलेशनशिप कैन बी अपोजिट एज वेल. आप इनपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, या इनपुट करंट है, आउटपुट करंट है. सो देयर आर मेनी कॉम्बोज. ये पर्टिकुलरली सर्किट्स की मैं बात कर रही हूँ. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल लाइफ से एग्जाम्पल दूँ, तो इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, मेरी आवाज़ जो है, ये प्रेजेंटेशन जो है, ये इनपुट है. ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं. सो योर आईज आर सेंसर्स, योर ईयर्स आर हियरिंग माई वॉइस, सो दे आर सेंसर्स. एंड योर दिस होल ऑफ यू, दिस होल ऑफ यू, योर ब्रेन, योर दिस सेंसर्स, योर द वर्किंग ऑफ योर ब्रेन एंड देन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, द होल ऑफ दिस प्रोसेस इज अ सिस्टम. और फिर जो आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, जो उसको समझ रहा है, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज द आउटपुट. सो इनपुट जो है इस वक्त प्रेजेंटेशन है, और इस वक्त ऑडियो जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज द इनपुट. और जो आप समझ रहे हैं वो आउटपुट है. और इसके बीच में जो भी है, चाहे वो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, चाहे वो आपके सेंसर्स हैं, ये सारा कुछ क्या है? ये एक सिस्टम है. सो सिस्टम कैन बी एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट. नाउ द इनपुट एंड आउटपुट आर सिग्नल्स, लेकिन द प्रोसेस इज द सिस्टम इट सेल्फ. सो सिस्टम जो है वो कोई एक चीज भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल योर आईज आर सेंसर्स एंड दोज आईज कैन बी द सिस्टम इट सेल्फ, और इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ मैनी मैनी स्मॉल सिस्टम्स नोन एज सब सिस्टम्स, और वो सब सिस्टम्स मिल के एक बड़ा सिस्टम बना रहे हैं. सो द होल द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल सिस्टम्स कैन ऑल्सो मेक अ बिग सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर, अगर मैं सर्किट्स की बात करूँ, रजिस्टर इज अ सिस्टम, कैपेसिटर इज अ सिस्टम. और अगर हम इन दोनों को वायर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर कॉम्बो, एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी, लेट्स से सीरीज में लगा दें, तो ये क्या बनेगा? इनपुट सर्किट, सॉरी, इट विल बी अ सिस्टम, इट विल बी अ आरसी सर्किट, एंड द आरसी सर्किट एज ओवरऑल विल बी अ व्हाट? सिस्टम. इनपुट क्या होगी? वोल्टेज. आउटपुट क्या होगी? रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, दैट विल बी योर आउटपुट. सो अ सिंगल कंपोनेंट कैन बी योर सिस्टम, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी अ सिस्टम. एज डिफाइंड बिफोर कि व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम, द कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, एंड द बेसिक the basic goal is to achieve a certain output in a very efficient manner. अब efficiency हम किसे कहते हैं? Efficiency जो है वो हम accuracy को कहते हैं, कि भाई जो हम output attain करना चाह रहे हैं वो maximum accurate attain हो. हम चाहते हैं कि अगर कोई disturbances हो तो system जो है वो सिर्फ इनपुट के साथ चेंज हो. इनपुट अगर आप एम्पलीफाई करें, आउटपुट एम्पलीफाई हो, या जो भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है वैसा काम हो. लेकिन हम ये नहीं चाहते कि और डिस्टर्बेंसेस भी उस सिस्टम को अफेक्ट करें. सो वी वांट वेरी गुड एक्यूरेसी, वी वांट द सिस्टम टू बी लीस्ट सेंसिटिव टू नॉइजेस और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस. हम चाहते हैं कि बड़ा स्टेबल सिस्टम हो. हम चाहते हैं कि जो आउटपुट है वो बड़ा स्पीडी मैनर में अचीव हो. हम चाहते हैं कि ऑसिलेशंस ना आए. दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम एक सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को एवेल्यूएट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस. सो वी वांट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर आर सिस्टम. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन योर लेक्चर नोट्स, एंड यू कैन गो एंड यू कैन चेक देम, एज वेल एज मैं जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें भी आई विल एक्सप्लेन देम इन वेरी डिटेल टू यू पीपल. अच्छा, अब
Any control system has basically three modules. One is the controller, other is the plant, and the third is the transducer or the sensor. What is a plant? A plant is the system itself. For example, very basic for electric engineering students, RC circuit. मैंने पहले भी RC circuit को discuss किया, तो मैं उसी को ले रही हूँ. So RC circuit का जो आपका लेआउट डिजाइन है, जो ब्रेडबोर्ड पे आपने बनाया हुआ है, लेट्स से वो प्लांट है. एंड इट इज अ प्लांट, इट इज अ सिस्टम. अच्छा जी, सेंसर क्या चीजों की? सेंसर जो है बेसिकली मेजरमेंट्स जिससे आप ले रहे हैं. सो इन एन आरसी सर्किट, अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देख रही हूँ, तो द वोल्ट मीटर जो हमने कैपेसिटर के अक्रॉस जिसकी प्रोब्स लगाई हुई है, सो वो वोल्ट मीटर जो है, इट इज आर सेंसर. इट इज प्रोवाइडिंग अस कि भाई आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रही है. अच्छा जी, फिर उसके बाद व्हाट इज अ कंट्रोलर? एक जब आप आरसी सर्किट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ भाई आरसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करो, ये सर्किट में की लैब में आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी चुके हैं. सो व्हाट यू डू इज बेसिकली यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज और यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड देन यू सी कि व्हाट इज हैपनिंग, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है. सो जब आपके पास when you had minimum frequency, ठीक है, zero frequency, so all the drop was coming across the capacitor. As soon as you started increasing the frequency, the impedance of the capacitor started decreasing and the reactance of the capacitor started decreasing and because of that, आपका current flow start होता है और जो आपका capacitor है उसके cross voltage drop decrease होने लगता है. And you are recording the whole of the input-output voltages, and then you draw that frequency graph. So, and you come to know ki achha ji ye RC circuit, when you're taking the output across the capacitor, it is actually a low-pass filter. So now this observation where you are changing the frequency and you are looking at the output. So input ko output ko dekh rahe hain, uske mutabik aap input ko tune kar rahe hain. So you are the controller. So now the plant is the RC circuit. The voltmeter which is showing you the output or the drop across the capacitor is the sensor. And you yourself for analyzing the circuit, you're changing the frequency. So you are noting the output across the voltmeter and you are also handling the input. You yourself are the controller. Now let's look at these definitions. Plant, the system to be controlled. Sensor, measures the quantity to be controlled. And then controller, processes the input signal to drive the plant. So input ko aap kaise control kar rahe hain? So this whole is basically, these are the basic three elements through which are present in each and every control system.